नजीब जंग के अचानक इस्तीफे के बाद अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि दिल्ली का अगला उपराज्यपाल कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में दिल्ली के उपराज्यपाल को लेकर कई तरह की अटकलबाजी चल रही है। इस पद के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए सबसे आगे पूर्व नौकरशाह अनिल बैजल का नाम चल रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए अन्य दावेदारों में पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी और बीजेपी नेता जगदीश मुखी के नामों की अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि बीते अगस्त में जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा को बदलने की अटकलें तेज हुई थी, तो अनिल बैजल इस पद के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। 1969 बैच के आईएएस अफसर अनिल बैजल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह सचिव रह चुके हैं। बैजल ने इंडियन एयरलाइंस के सीएमडी, प्रसार भारती के सीईओ, गोवा के डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर भी सेवाएं दी हैं। बैजल के अलावा इस रेस में दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी का नाम भी सामने आ रहा है। बस्सी के पुलिस कमिश्नर के कार्यकाल के दौरान दिल्ली के केजरीवाल सरकार से उनके टकराव के किस्से जग जाहिर हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के पद के उम्मीदवारों के तौर पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है, वो है किरण बेदी का। पूर्व आईपीएस अफसर बेदी को केंद्र सरकार की ओर से 29 मई को पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनाया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में अन्ना हजारे की अगुवाई में शुरू हुए आंदोलन के दौरान किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल एक साथ रहे थे, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। इनके अलावा बीजेपी नेता और अंडमान व निकोबार के उपराज्यपाल जगदीश मुखी के नाम की भी चर्चा दिल्ली के नए उपराज्यपाल के तौर पर चल रही है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।